अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम एंड रैक। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ढाबा स्टाइल मसालेदार चना दाल रेसिपी। ये रेसिपी मैं प्रेशर कुकर में रेडी करने वाली हूँ और बहुत ही झटपट और मज़ेदार रेसिपी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हमने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और उसके बाद हमने तमाम साबित गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। साबित गरम मसालों को हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसमें एक बिग साइज अनियन स्लाइस करके ऐड कर देंगे। अनियन को अच्छा सा लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक को थोड़ा सा फ्राई करेंगे और साथ ही इसमें टोमेटोज़ ऐड कर देंगे। टोमेटोज़ हमारे फाइनली चॉप्ड होने चाहिए ताकि वो जल्दी से गल जाएं और हमें ज़्यादा टाइम उसके भुनाई में ना लगाना पड़े। टोमेटोज़ का पानी हम ड्राई करते जाएंगे और साथ साथ हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते जाएंगे, जिसमें चिली पाउडर है, कोरिएंडर पाउडर है यानी कि पिसा हुआ धनिया पाउडर, हल्दी, सॉल्ट। मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 कप या फिर 400 ग्राम चना दाल ली है, जिसको मैंने 1 घंटे पहले से ही भिगो के रख दिया था। और हम यहाँ पे वाटर 2 कप ही इस्तेमाल करेंगे जितनी हमने चने की दाल ली है, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में कुक कर रहे हैं तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तमाम स्पाइसेस ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे और अब हम इसको भुनाई की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे जितने भी टोमेटोज़ हैं ये अच्छे से घुल जाएं और हमारा जो मसाला है वो एक जैसा हो जाए। थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जाएंगे, 1 टेबलस्पून के करीब। जितना हम वाटर ऐड करते जाएंगे भुनाई के दौरान उतनी हमारी भुनाई अच्छी होती जाएगी और हमारी जो अनियंस और टोमेटोज़ हैं ये आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। हमारा मसाला ऑलमोस्ट अच्छे से भुन चुका है तो अब हम इसमें 2 कप्स वाटर ऐड करेंगे और वाटर में जैसे ही बॉईल आएगा उसके बाद हम उसके अंदर चने की दाल ऐड कर देंगे। मैंने 2 कप्स चने की दाल यहाँ पे ली है तो ये मेरे घर के हिसाब से 4 से 5 आदमियों के लिए इनफ है। आप दाल की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अकॉर्डिंगली और उसके हिसाब से पानी भी एडजस्ट कर लेंगे। जितनी दाल होगी उतना ही आप पानी भी लेंगे अगर तो आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं। पानी में दाल ऐड करने के बाद हम प्रेशर कुकर को क्लोज़ कर देंगे और प्रेशर कुकर में चने की दाल की टाइमिंग है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में ये बहुत अच्छे से गल जाती है। अब हम 15 मिनट के बाद चेक कर लेंगे ओपन करके। ये मैं आपको मैश करके भी दिखा देती हूँ स्पून से। बहुत ही अच्छी सी मसालेदार, बिल्कुल भी हमारी ये वाटरी नहीं हो रही, बहुत अच्छी सी थिक ग्रेवी के साथ रेडी हो चुकी है। और देख लीजिए बिल्कुल भी कोई इसमें एक्सेस वाटर नहीं बचा जो कि मुझे बाद में ड्राई करना पड़े। नेक्स्ट हम दाल के लिए भगार रेडी कर लेते हैं। एज़ पर योर नीड आप ऑयल ऐड करेंगे, थोड़ा सा ज़ीरा, अनियंस और बटन चिलीज और थोड़े करी पत्ते भी ऐड कर दीजिए खुशबू के लिए। इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करेंगे और दाल में भगार ऐड करेंगे और अब हम इसे सर्व करेंगे। यहाँ एंड में मैंने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है अच्छी खुशबू के लिए। आप इसमें साथ ही थोड़ी ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं। तो मसालेदार और मज़ेदार ढाबा स्टाइल चने की दाल रेडी है। मेरी झटपट क्विक रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को आगे भी शेयर कीजिए। दुआओं में ज़रूर याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।